सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक और नया फार्म जो कि है फुली ऑटोमेटिकली एंड एकदम ऑटोमेटिकली काम करेगा एंड इतने से एरिया में बन भी जाएगा। तो उसका नाम है वीट फार्म एंड हमने हमारी पिछली वीडियो में बनाया था एक वूल फार्म। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे 12 वूल कलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे बहुत इजीली। एंड आप ये दोनों फार्म्स भी बना सकते हो, एक्सपी के एंड शुगर केन के फार्म, मेरे चैनल को विजिट करके। तो जल्दी से जाइए एंड देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक बॉर्डर बना लेना है जो कि होगा इस टाइप का एंड इसके बाजू में हमें लगा देना है डबल चेस्ट एंड यहाँ पे 7 जितने मतलब गड्ढे हमने किए थे उधर से हमें यहाँ पे हॉपर लगा देना है एक दूसरे को जॉइंट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हॉपर लगा दिए एंड एक बार यहाँ पे इसे चेक भी कर लेते हैं। यहाँ से 2 रेस्टोन हमने डाले एंड यहाँ पे इस चेस्ट में आने चाहिए एंड ये यहाँ पे आ चुके हैं एकदम लाइफ प्रूफ के साथ। तो एकदम बराबर बना हुआ है ये। बीच में हमें लगाना है एक डिस्पेंसर एंड डिस्पेंसर के अंदर डाल देना है एक बकेट, वाटर से भरा हुआ होना चाहिए वो। एंड यहाँ पे इसके पीछे लगा देना है रेडस्टोन एंड लीवर जिससे हम इसको वॉक करवाएंगे एंड यहाँ पे पूरे में हो कर देना है हम लोग को। तो गाइस एक बात मैं बताना आपको भूल गया था कि हमने ये जो ब्लॉक्स बनाए हैं इसके नीचे हमें पूरा डिग करके इसके नीचे वाटर डालना पड़ेगा ताकि एकदम ये फर्टाइल रहे एंड यहाँ पे एकदम अच्छे से उग जाए। तो इसके नीचे हमें वाटर डाल के ऐसे पूरे में कर देना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सब जगह पे पानी डाल दिया है अच्छे से। आपको भी ये स्टेप फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे फिर से हम लगा देंगे ग्रास ब्लॉक एंड यहाँ पे हमें नहीं लगाना है नहीं तो पानी ब्लॉक हो जाएगा, हमें एकदम उसके बगल में लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एंड यहाँ पे मैंने पूरा स्टेप कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पे बस हमें लगाना है सीड एंड मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे फेंस लगा देते हैं सबसे पहले तो ताकि कोई इसके अंदर मतलब मॉब ना घुस पाए एंड यहाँ पे इसके आसपास में पूरे में लगा देना है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी लगा दिया फेंस एंड इसके अंदर फिर हमें पूरे सीड्स लगाने हैं। तो मैंने अभी पूरे में सीड्स लगा दिए हैं एंड यहाँ पे एक हॉपर तोड़ गया। सबसे पहले तो इसे लगा देते हैं अच्छे से। हाँ यहाँ पे लग गया एंड यहाँ पे मैंने पूरे सीड्स लगा दिए हैं एंड मैं अभी इसे बोन मील से ग्रो करूँगा क्योंकि अभी इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि हम इसे पूरा मतलब उगने दें। तो हम इसे बोन मील से ग्रो करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बोन मील मार के यहाँ पे पूरे क्रॉप्स बड़ा कर दिए हैं एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो चुका है, सिर्फ हमें ये लीवर दबाना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे क्रॉप्स चले जाएंगे चेस्ट में, लेकिन ये जो ऊपर जो क्रॉप्स हैं उसको हमें ये अंदर डालने के लिए यहाँ पे फेंस लगाना पड़ेगा एंड यहाँ पे एक और डिस्पेंसर लगा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे मैंने फेंस भी लगा दिया है बाउंड्रीज पे। तो एकदम अच्छा दिख रहा है हमारा फार्म एंड ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एंड मैं एक बार आपको खोल के दिखाता हूँ चेस्ट, यहाँ पे ये खुली नहीं थी। हाँ तो यहाँ पे 40 वीट एंड 64 से भी ज़्यादा हमारे पास सीड्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फाइनल लुक कुछ ऐसा आ रहा है एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। चाहिए तो आप और भी फार्म्स की वीडियोज़ देख सकते हो मेरे चैनल को विजिट करके एंड तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।